हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। है कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइस यार, मैं जा रहा हूँ पानी भरने। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गांव में कैसे हम पानी भरते हैं। कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं, कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं हम लोगों को। एकदम साफ़ सुथरा पानी, एकदम स्वच्छ पानी आता है। वो आपको दिखाता हूँ हम गाँव वाले कैसे कहाँ से पानी भरते हैं। तो वीडियो में बने रहें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और देखिए कैसा व्यू जा रहा है यहाँ का, आपको दिखाता हूँ मैं। भाई देखिए कैसे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल चकमकाते हुई धूप के साथ। और कितना वातावरण साफ सुथरा है गांव में, कोई धूल पॉल्यूशन नहीं, कोई धूल धक्कर नहीं, और बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, एकदम शांत। जैसे आवाज़ है ताल तरफ चिड़िया अपना नहीं यार। गजे हरे भरे खेत है, क्या सुहाना मौसम है गांव में। एकदम चहकती चहलाती ठंड, थोड़ी बहुत ठंड है, ठंड इतनी नहीं है, बस खिली खिली धूप आ रखी है। बहुत बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये गांव का नज़ारा है। गाय देखिए, ये जो ये सामने दुकान है, ये कंट्रोल की दुकान है गांव में। यहाँ से हमें राशन, और जैसे राशन आता है कंट्रोलर की दुकान जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से राशन पानी हमको मुहैया किया कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, देखिए सरकारी शाखा है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 100 मीटर की दूरी में है गाँव से। ये सफाई चल रहा है, अभी खोल रखी है इसने दुकान। इनका नाम प्रकाश सिंह मेहता है, तो इनके अंडर में अभी एक कंट्रोल की दुकान तो इन्होंने खोल रखी है। ये गांव में रोड है गाइस, ये रोड आपको दिखा दे, दूर दूर हमारा गांव है। ये गांव है, ये भी गांव में ही आता है, बट ये थोड़ा सा गांव से हटके है। ये रोड है, सीधे गाँव से होते हुए नीचे को जा रही है दूसरे गाँव की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा रोड है, कितना सुहाना मौसम है गांव में। भाई शहर में हम गर्मी से मरते हैं और ठंड से मरते हैं, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शुद्ध साफ पानी, हवा पानी, साफ सुथरा मौसम देखने को आपको मिल रहा है। ये भी सफाई कर रहा अपने पूर्व दुकान, आप वीडियो बढ़ाया मैंने। क्या ब्लॉग देख जाने देखने लगा तू? और दादा आ गया अपना बलबीर, अरे वो कला छात्र लेके निकल ले। अच्छा ये जगत सिंह है हमारे गांव की, कैसा लगते हैं गाय जी। स्कूल जो आपको दूर वो दिखाई दे रहा है, ये स्कूल है। यहीं से मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, मतलब 10 हाई स्कूल यहीं से किया मैंने। जो मेरे एक सब्सक्राइबर देख रहे होंगे जिसने स्कूल पढ़ा होगा, उनको समझ में आ जाएगा। गए आप लोगों, मेरे चारों तरफ दिख रहा होगा कितनी हरियाली है गांव में। आया तो बहुत कुछ सोच के था गांव में कुएं से, लेकिन कुछ और ही हो गया मेरे साथ। लेकिन कोई नहीं, किस्मत को यही मंजूर था तो क्या कर सकते हैं। गए जी, मैं पहुंचने वाला हूँ उखड़िया, जिसको हम बोलते हैं उखड़िया। यहाँ पानी बहुत हज़ार साल पहले का है। ये देखो, ये टॉयलेट बाथरूम अभी रिसेंटली बना हुआ है, ये पब्लिक की फैसिलिटी के लिए। जैसे यहाँ गंदगी ना हो तो ये टॉयलेट बाथरूम गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। आप लोग जैसे ही देख सकते हैं, मेरे गांव का नाम है शिमलकोट। ये देखिए, ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में। ये देखो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नौले पे अपने, जहाँ से हम पानी भरते हैं। और ये बहुत साल पुराना पानी है। इस पानी की खासियत ये है कि कभी ये बंद नहीं होता, हमेशा ऐसे आते रहता है। और ये गर्मी में ठंडे पानी आता है, ठंड में गर्म, लेकिन वैसे ठंडा हो रहा है पानी, थोड़ा नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो मैं नहाऊँगा यहाँ पर, और मिलता हूँ आप लोगों से नहाने के बाद।
ये देखो गाइस, नौले का दर्शन के लिए, देखो पूजा वूजा के लिए भी जो सैटरडे को आते हैं। यहाँ पे पीपल का पेड़ है हमारा ये गांव में, ये देखो यहाँ पे पूजा करते हैं लोग शनिवार को आके, तो इसी को पूजने के लिए जो यहाँ पे ये लगाया गया है, ये मंदिर वंदिर जो रखा गया है इसी के लिए रखा गया है, ताकि लोग आए यहाँ पे अपने पूजा करें। आप लोगों को मिलता मैं नहाने के बाद। ओके गाइस, ये भर के रेडी हो गए और इसको उठाऊंगा ऐसे और अपने सिर पे ऊपर डालूंगा, ऐसे नहाता हूँ नहाऊंगा हम, मैं यहाँ पे ऐसे नहाते हैं, मतलब अक्सर हम लोग गांव में, घर में नहीं नहाते, यहाँ के नौले में नहाते हैं, शुद्ध साफ सुथरा पानी है। तो मैं नहाने की वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए आपको मिलता हूँ नहाने के बाद, जब मैंने भर के बस के सिर पे वो लड़ूंगा, साफ लूँगा और नहाऊँगा। ओके मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। ये तो पानी भर के ले जा रहे थे, ये भी पूरा गाँव यहीं से पानी भर के ले जाता है, ऐसे जेंट्स लोग ऐसे रख के जाते हैं, लेके जाते हैं आप लोगों को ऐसे भी दिख रहा है वीडियो में। गैस तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दो आप लोगों को, ये भी छोटी सी नदी है और ये नॉर्मली हमेशा ऐसी रहती है, और अगर कभी ज़्यादा जैसे बारिश होगी तो पूरा भर जाता है, और ये पता नहीं कहाँ से आती है, बहुत दूर से आती है, इतना मतलब बहुत दूर तक इसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये जाके सीधे बड़े बड़े समंदर में, या मतलब जो गाँव हमारे उत्तराखंड में होती है जिसको हम गंगा नदी इस टाइप के बोलते हैं, जहाँ पे हम किसी डेथ को विसर्जित करते हैं या उसको अंतिम संस्कार करते हैं, वहाँ जाके मिलती है मतलब ये वाली नदी, ठीक है। तो ये हमेशा ये भी पता नहीं कितने साल, हज़ार साल पहले से है, और जाके इसके बारे में तो आपने बता ही लिया, है ही नहीं मैंने, और यहाँ पे पूरा नहा भी चुका हूँ मैं, तो ये मेरी गगरी जिसको हम बोलते हैं गाँव में, ये पूरा भर चुका है, इसे थोड़ा पानी निकाल दूँगा ताकि एक्स्ट्रा गिरे ना मेरे ऊपर। बस गाइस ये दिखाना था आप लोगों को कि कैसे हम गांव में पानी भरते हैं, ये आप लोग देख सकते हो पूरा इसका व्यू किस टाइप से है यहाँ पे, ये देखो ठीक है, ये हमेशा इतना रहता है पानी, ये कभी बंद नहीं होता और कभी सूखता नहीं, मतलब ये ठीक है, ये हमेशा ऐसा रहता है। ये आपको बताया दिया मैंने, यहाँ पे पूजा करती है सैटरडे को, जो पीपल का पूजन होती है सैटरडे वो करते, तो यहाँ थोड़ा यहाँ पे दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा फोटो मंदिर वंदिर इस टाइप का बनाया हुआ है, और बाकी पीपल का पेड़ है। और ये गाइस जो ऊपर आपको स्कूल दिख रहा है, वो स्कूल में मैं पढ़ चुका हूँ, ये हाई स्कूल मीडियम तक पढ़ाई की मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने हाई स्कूल अपना पास किया यहाँ से, तो ये अपना स्कूल है, तो अभी दिखाऊंगा इसको भी आपको मैं आप लोगों को। तो गाइस हम कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं यहाँ से पानी भर के, और लेडीज लोग तो सर पे रखते हैं, हम जेंट्स लोग जो भी आता है, मतलब लड़का जेंट्स लोग जो भी आता है, इस तरीके से पानी भर के ले जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो तू नॉन भन ला, तो तू नॉन भन गिला, अरे तुले छ क्लास में आज, हाँ क्या जो गांव के बच्चे जा रही है सब पानी भरने के लिए जा रही है, सुबह शाम हम यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, ना कभी कोई फ्रिज में रखता पानी, ना कहीं मतलब बासी पानी पीने की जरूरत है, फ्रेश फ्रेश कितनी फ्रेश। प्यारी धूप आई है गांव में, कितना प्यारा व्यूज आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल पेड़ों में फूल लगे हुए हैं, हरे भरे खेत हैं, और ये गेहूं भी होने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा, अप्रैल लास्ट लास्ट तक मतलब। ये देखो ये बालियाँ आ गई है, गेहूँ की बाली आ गई, इसको काटेंगे फिर इसको तैयार करेंगे गेहूं की फसल को। ये देखो गाइस, ये अपना गांव है, ये पूरा अपना गांव है, ये कम से कम 50-60 मकान है अपने गांव में, ये देखो। ये गाइस देखो कितना प्यारा व्यूज है, आपको अपना पूरा गांव का व्यूज और खेत दिखा रहा हूँ, ये ऊपर को जंगल है, पूरे साल के पेड़ जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, एक छोटी सी नदी ये भी है, ये बहुत छोटा है, ये बारिश के दिनों में आता है, वैसे रेगुलर नहीं है, सिर्फ बारिश में आती है, लेकिन पूरा भर जाता है ऊपर तक ये वाला है, ये जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है गांव में ये तभी आता है, लेकिन गांव में कभी पानी की कमी नहीं है, ना किसी मोटर की, ना पंखे की, ना एसी की, तो बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते हैं लोग गाँव में, इतना प्यारा मौसम और हवा पानी, शुद्ध पानी, देखो पानी की कोई कमी नहीं है,
इसे हम खेत को पानी देते हैं, फसल तैयार करते हैं। इस पानी से देखो ये पूरा नाला बना हुआ है ये सीधे खेतों में, जिसको हम अपनी भाषा में कुलाते हैं, जिसको बोलते पानी देते हैं खेतों में, तो इस पानी से देते हैं गाइस। देखो अभी पानी बंद है यहाँ को, उधर तोड़ा हुआ पीछे दिखा था आप लोगों को। गाइस ये अपनी कंट्रोल की दुकान है, यहाँ से हम राशन पानी लेके जाते हैं। ये देखो ये प्रकाश मेहता जिसका नाम है। बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है गाइस। गाइस ये अपना गांव है, आपको देखने को देख रहा है जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं आप लोग। ये देखो गाइस सिमलकोट गांव है अपना, देखो कितना खूबसूरत गांव है, कैसे मकान होते हैं गांव में। देखो गाइस नहीं आता दे यही हिंसा था पहली नहीं जैसे नहीं दिखी नहीं यार तो पक्का नार फोन है। गौ माता भैंस गाय जी, हाँ गाँव में हम भैंस गाय ये सब पालते हैं। जिसके घर में गाय भैंस नहीं है वो कोई घर नहीं मिलेगा आपको पहाड़ में। ये पहाड़ की मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये भी पानी भरने जाए लड़का, देखो ऐसे जाते हैं उखड़िया जिसको हम बोलते हैं नौले पे पानी भरने के लिए। तू नौ नहीं लग चला लागन देने लग रही हो तो लागन देने लग रही तू नौ नहीं लग रहा। ये दो चार मकान ऊपर वो भी है, ये सब अपना गांव है। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर और वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ओके बाय।